गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक ऑफ लेक्चर इज सेंटर ऑफ अ ग्रुप। इसमें हम सेंटर करेंगे और नॉर्मल चलो नेक्स्ट में करेंगे। सेंटर की थ्योरम्स होंगी कुछ। वैसे आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। जी बी अ ग्रुप सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी। क्या होगा कि जी के वो एलिमेंट्स Z belongs to G, which commute with every element of G. Zx equal to xz. Commute का मतलब commutative property जो satisfy करते हैं. For all x belongs to G. G का हम कोई भी element लें, वो Z के साथ commute करेगा. जैसे identity होता है, identity सबके साथ commute करता है ना, ऐसे हो सकता है कि कोई और element भी हो, वो भी सबके साथ commute कर रहा है, चाहे वो group abelian है चाहे नहीं. abelian है तो क्या होगा, फिर तो हर एलिमेंट के साथ कर रहा है, तो उसमें तो सेंटर पूरा ग्रुप ही बन जाएगा. बट अगर कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करे. तो जो एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं और उसको एक नया सेट बना देते हैं, उसको नेम देते हैं जेड जी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप. अब इसको प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. देखो, आप ये तो प्रूव कर चुके हो कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप, है ना. पीछे हमने जब सब ग्रुप्स किए थे उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि ऐसे एलिमेंट्स जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं उनका जो सेट होता है वो सब ग्रुप होता है. तो पहले हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है. देखो, सब ग्रुप के लिए तो पहले कि नॉन एम्प्टी शो कर दिया, आइडेंटिटी तो हो गई होगा, आइडेंटिटी तो कम्यूट करता ही है. फिर दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, और इससे हमने बी इनवर्स भी शो कर दिया. बी इनवर्स दोनों साइड लगा के ना, उससे हमने ये शो कर दिया बी इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है. अब करना क्या है कि ए बी इनवर्स भी जेड जी में है. ए बी इनवर्स कब आएगा, जब ए बी इनवर्स ईच एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. तो ए बी इनवर्स के साथ एक्स लगाओ, पहले ये बी इनवर्स के साथ कर रहा है एक्स को इधर ले आएंगे, फिर ए के साथ कर रहा है एक्स को और इधर ले आएंगे, तो एक्स इधर आ जाएगा, ए बी इनवर्स इधर, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी. अब प्रूव करना है नॉर्मल. नॉर्मल के लिए होता है एक्स एच एक्स इनवर्स. एच क्या होता था, कैपिटल एच का, एच की जगह आ गया जेड जी. तो ए हम एक एलिमेंट जेड जी का लेंगे, एक जी का लेंगे एक्स. तो अगर हम ये शो कर दें कि एक्स ए एक्स इनवर्स भी जेड जी में है तो ये आ जाएगा. ठीक है, ए बिलोंग्स टू जेड जी लिया, देन एक्स ए एक्स इनवर्स. अब ये देखें तो ये एक्स एक्स ए को हम ए एक्स लिख सकते हैं, ये बच गया खाली ए, है ना, ए ही बच गया. ए तो जेड जी में है ही, तो इट मीन्स एक्स ए एक्स इनवर्स भी जेड जी में है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का. अब ये मेन थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आई हुई है देखो, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना है ध्यान से. कुछ एक थ्योरम्स होती हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना है. बार बार लिख के देखना है आपने, ध्यान से समझना है और फिर लिख के देखना है. द सेट इनर जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप जी बाय जेड जी, वेयर जेड जी इज द सेंटर ऑफ जी. क्या प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड जी. देखो, अभी हमने प्रूव किया जेड जी क्या है, सेंटर ऑफ जी. सेंटर और वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल है तभी हम कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं जी बाय जेड जी. अब इसको हम डायरेक्ट ये प्रूव करने की बजाय कि इनर जी इसके आइसोमॉर्फिक है, कि इन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म निकालें, वन वन निकालें, ऑन टू निकालें, उसकी बजाय हम यहाँ फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे. याद होगी आपको फंडामेंटल थ्योरम कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप ऑफ जी. होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी. और वो कोशेंट ग्रुप कैसे बनता था कि अगर हम इस को कर्नल प्रूव कर दें, कि अगर हम इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें और इसको प्रूव कर दें कि होमोमॉर्फिक इमेज है यानी कि ओन टू है, तो अगर हम ये शो कर दें जी और इनर जी के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है जो कि ओन टू है और जेड जी उसका कर्नल है, तो फंडामेंटल थ्योरम लगा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी बाय के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. जी डैश की जगह ये आ गया, के की जगह जेड जी आ गया.
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ आपको फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है वहाँ हम ये देख लेते हैं कि क्या फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो उसके लिए इसको छोड़ दो एक बार, ऊपर वाला और ये ले लो, इन दोनों के बीच में अगर हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें जो ऑन टू हो और जिसका कर्नल हो ये जो कोशेंट ग्रुप जो हमारा नीचे होगा क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए जो यूज़ होगा, तो हम डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, जी और इनर जी के बीच में। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ फ्रॉम जी टू इनर जी। देखो इसमें क्या है, सारी ऑटोमॉर्फिजम्स फंक्शंस, और कैसी ऑटोमॉर्फिज्म होती है, टी ए टी बी टी सी इस टाइप के, है ना। टी एक्स क्या होता है याद करो, टी ए क्या कैसा फंक्शन होता है, अगर हम इसको एक्स पे लगाएंगे तो ए इनवर्स एक्स ए बन जाता है, तो इसलिए ए इनवर्स लगता है, इसलिए हम पहले ही ए इनवर्स लेके चलेंगे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इधर जी का एक एलिमेंट लिया ए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकाली वो हमने ले ली टी ए इनवर्स, ठीक है, टी ए इनवर्स, यानी कि ये मैपिंग ऐसा होगा अगर हम इसको एक्स पे लगाएंगे तो उसकी इमेज आ जाएगी ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है। अब ये शो कर देंगे कि ये वेल डिफाइन है, ओन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। वेल डिफाइन के लिए दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चलो, उनके इनवर्स इक्वल होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल आगे तो इनकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी इक्वल होंगी, इसका मतलब ए और बी की इमेजेस इक्वल आ गई। एलिमेंट्स इक्वल से अगर इमेजेस इक्वल आ जाए तो वो वेल डिफाइन हो जाता है। ओन टू के लिए इनर्जी का एक एलिमेंट लिया, एनी ऑटोमॉर्फिज्म, अब जरूरी नहीं है ए इनवर्स हो, हम ए भी ले सकते हैं, तो हम एनी टी ए लेके चलते हैं। अब ये टी ए देखेंगे किसकी इमेज होगा, देखो अगर हम ए की इमेज देखते हैं तो टी ए इनवर्स होता है, अगर हमें यहाँ टी ए चाहिए तो यहाँ ए इनवर्स ले लेंगे, तो ए इनवर्स तो होगा ही जी के अंदर, तो जी के अंदर ए इनवर्स ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज ये टी ए आ जाएगी, तो ये ऑन टू हो गया। अब उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया ए बी, तो एफ ऑफ ए बी निकाला तो टी ए बी इनवर्स आ गया, टी ए बी इनवर्स मतलब पहले ए बी इनवर्स को खोलो, टी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने जब सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म किया था उसमें एक फंक्शन डिफाइन किया था कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ टी बी इंटू टी ए हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, याद होगा आपको, जब इस पे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था तो यहाँ अगर b इनवर्स a इनवर्स है तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो a इनवर्स t a इनवर्स पहले आएगा, t b इनवर्स बाद में, ये किसकी इमेज है, a की, ये b की, तो इसको हम f a f b लिख सकते हैं, तो ये बन गया, इसलिए हमने यहाँ इनवर्स लिया था ताकि ये दोबारा इनवर्स होके वापस उसी ऑर्डर में आ जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब हमें a की स्टेप रह गया प्रूव करना, इसका कर्नल जेड जी है, जेड जी में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, कर्नल में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेजेस आइडेंटिटी है, तो हम एक एलिमेंट कर्नल को देखेंगे पहले कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट इमेज ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी मैपिंग होगा यहाँ, क्योंकि इनर जी की आइडेंटिटी है आइडेंटिटी मैपिंग, तो एफ एक्स अगर आइडेंटिटी है, एफ एक्स क्या है, टी एक्स इनवर्स, क्योंकि एफ ओफ ए टी ए इनवर्स है, तो टी एक्स इनवर्स अगर आइडेंटिटी है इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट पुट करें उसकी इमेज वही एलिमेंट रह जाएगा, मान लो हमने वाई पुट कर दिया तो टी एक्स इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आई है इसलिए आई वाई तो होता है वाई, और इसको खोलें तो ये बनेगा एक्स वाई एक्स इनवर्स, पहले इसका इनवर्स दूसरी साइड ये एज इट इज बीच में वाई, ये डेफिनेशन से आएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म से, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ से अगर हम देखें इस एक्स को इधर शिफ्ट कर दें तो दूसरी साइड जाएगा, क्योंकि इधर लगाना है हमें एक्स पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो इधर एक्स वाई आ गया इधर वाई एक्स, इट मीन्स एक्स दोज एक्स बिलोंग्स टू जी विच कम्यूट विद एवरी वाई बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स दैट इज द सेट ऑफ सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ जी। तो कर्नल एफ को हमने प्रूव कर दिया सेंटर ऑफ जी। अब हम फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक इमेज है जी की और इसका कर्नल है जेड जी, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जी बाय जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इनर जी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार कह रही हूँ, इसको अच्छे से कर लेना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एफ फ्रॉम जी टू जी इज अ मैपिंग सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन. हमें ये दिया हुआ है कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है. देखो जैसे हमने साइक्लिक में लिया था, अब यहाँ कोई साइक्लिक का नाम नहीं है, बट ऐसे ही ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी. शो दैट ए रेज टू पावर एन माइनस वन बिलोंग्स टू जेड जी. कि ए की पावर अगर एन माइनस वन ले लें, इससे कम कर दें, जो उसकी इमेज है ए की, उससे अगर हम एक कम कर दें तो वो जेड जी में होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. इसको जेड जी में शो करने के लिए एक्चुअली करना क्या है कि ये हर एलिमेंट के साथ, जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है ना. यानी कि ए की एन माइनस वन के साथ अगर एक्स लगाएं तो एक्स इंटू ए की एन माइनस वन हो जाए. वो स्टेप लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ आपको याद रखना है कि स्टार्ट कैसे करना है. एक्स के साथ हमें ए की एन एक साइड लगाना है, ए की माइनस एन दूसरी साइड. कुछ भी ले सकते हो, चाहे इसको इधर एन इधर माइनस एन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये आपको स्टेप याद रखना है कि स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है कि अगर एफ ऑफ ए की एन है तो एफ ऑफ ए की माइनस एन इंटू एक्स इंटू ए की एन की वैल्यू क्या होगी. तो इसको हम इमेज निकालेंगे, इसकी पावर एन आ जाएगी. इसको एन टाइम्स लेंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे. ये नीचे बीच में से कट जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट वाले के साथ कट जाएगा. तो बीच में सारे एक्स एक्स रह जाएंगे, ठीक है, बाकी सारी आइडेंटिटी हो जाएंगी. फर्स्ट और लास्ट में रह गया ए की माइनस एन, ए की एन, बीच में एक्स की पावर एन. इस सारे को हम ए, इसको हम लिख सकते हैं ए की एफ ऑफ ए इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए की एन है, मतलब इनको एफ में चेंज कर दिया. अब इन तीनों को कंबाइन कर दो क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो ए इनवर्स एक्स ए हो गया. अब यहाँ हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एफ ऑफ ए की माइनस एन एक्स ए की एन, दूसरी साइड आ गया एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए. अब एफ वन वन है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो वन वन होगा, तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हटाना है, इसके लिए एक ही एन लगाना पड़ेगा. इधर से इसको हटाना है, ए इनवर्स लगाना पड़ेगा, इधर ए इनवर्स लगा दो, इधर एक ही एन, तो इधर भी ए इनवर्स लगाना पड़ेगा, इधर भी एक ही एन. उससे क्या होगा, इधर एक ही एन माइनस वन बच जाएगा और इधर एक ही एन माइनस वन, क्योंकि हमें तो एक्स के साथ एक ही एन माइनस वन लाना था. तो यहाँ हम एक ही एन लगा देंगे और इधर ए इनवर्स लगा देंगे ताकि वो एक ही एन माइनस वन बच जाए. तो ये एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, इट मीन्स ए की एन माइनस वन बिलोंग्स टू जेड जी. उसके बाद है, लेट जेड जी बी द सेंटर इफ जी बाय जेड इज साइक्लिक देन जी इज अबेलियन. जी बाय जेड साइक्लिक का मतलब है कि जो ये कोशेंट ग्रुप होगा, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जैसे जी बाय एच में होते हैं एच एक्स एच वाई, तो जी बाय जेड में होंगे जेड जी, जेड जी वन, जेड जी टू, जी वन जी टू बिलोंग्स टू जी. तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये साइक्लिक है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, सपोज जेड जी उसका जनरेटर है. और इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ जी बाय जेड इज सम पावर ऑफ जेड जी, ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली, कि जी अबेलियन है. जी अबेलियन कब होगा, जब जी के दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी. तो इस ए बी से हम जेड जी में दो एलिमेंट्स बनाएंगे, जेड ए जेड बी. जेड जी का जनरेटर क्या है, दिस स्मॉल जेड जी. इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ जी बाय जेड इज सम पावर ऑफ जेड जी. तो ये जेड ए भी सम पावर ऑफ जेड जी होगा. इसको जेड जी रेस टू पावर एन को अगर हम खोल लें तो ये जेड इंटू जी रेस टू पावर एन बन जाएगा, ठीक है. नाउ ए बिलोंग्स टू जेड जी जेड ए एंड जेड ए इज इक्वल टू जेड जी एन, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू जेड जी रेस टू पावर एन. क्योंकि ये एच एक्स इक्वल टू ए होता है ना जैसे, तो ये ए इसका एलिमेंट होगा, तो वो किस टाइप का होगा, वन एलिमेंट फ्रॉम जेड इंटू जी रेस टू पावर एन, क्योंकि इसको सेट के अंदर आ गया. देखो हमने एच एक्स इक्वल टू एच वाई किया था, है ना, तो ये एक्स इसके इसको सेट में भी होगा, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, तो वो इस टाइप का होगा. सिमिलरली यही सारा प्रोसीजर लगा के हम बी को भी इस टाइप का निकाल लेंगे फॉर सम इंटीजर एम एंड फॉर सम जेड टू बिलोंग्स टू जेड. अब ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जेड तो सेंटर में है,
तो ये इसके साथ कम्यूट करेगा, इसके साथ भी कम्यूट करेगा, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, जेड के एलिमेंट्स को फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो ये दोनों एम प्लस एन हो गए। अगर हम इस एन प्लस एम को एम प्लस एन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बी ए निकालेंगे तो उसमें एम प्लस एन आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम है, क्योंकि जेड के आपस में एलिमेंट तो कम्यूट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज तो सेम होंगी, ये भी सेम है, तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, इट मीन्स जी इज अबेलियन। नेक्स्ट है लेट जी बी नॉन अबेलियन ग्रुप। आई थिंक सफिशेंट हो गया आज के लिए, ना बहुत है, चलो ये नेक्स्ट में करेंगे, अभी इतना कर लो, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे।